सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मर्म थेरेपी। मैंने भी आज से तकरीबन 3 साल पहले ये सीखी थी। एक हमारे टीचर आए थे चेन्नई से, उन्होंने हमें सिखाई थी। तो उनके जो सिखाने का ढंग था वो सीखने के बाद मुझे और जो मेरे साथ में वो सीखने गए थे उन सबको ये लगा कि मरम थेरेपी तो कुछ भी नहीं है। खैर उसके बाद मैंने और फिर 3 टीचरों से सीखी। जब ये मैंने थेरेपी सीखी तब मुझे लगा कि यही तो मेन थेरेपी है। जितने भी हमारे और थेरेपिस्ट और थेरेपिस्ट करते हैं सभी जो मेन पॉइंट तो यही है। मरम थेरेपी के अंदर 107 पॉइंट्स होते हैं जो मेन है। और ये थेरेपी हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे राजे महाराजे या उनके जो चिकित्सा करते थे उनकी, वो इनसे मरम थेरेपी से ही करते थे। वो मरम थेरेपी ऐसे पॉइंट हैं, हमारे जितने भी वेद ग्रंथ हैं उनमें आता है। अब 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सबसे बड़ी एग्जांपल राम जी और रावण का युद्ध हो रहा है और राम जी के जो निशाने हैं वो स्टीक थे, बहुत बढ़िया तीर अंदाज थे वो, मगर रावण को कुछ भी नहीं होता। तब भीष्म जी ने उनको बताया कि आप इनकी नाभि के अंदर तीर मारो तभी इनकी डेथ होगी। उनको पता था कि ये मरम पॉइंट है, यहां पर तीर लगने से ही डेथ होती है। कि ऊपर तो सबने कवच पहन रखे होते हैं, जब उनको तीर वहां लगा तो उनकी डेथ हो गई। अब लक्ष्मण जी को तीर लगा, बेहोश हो गए वो। तो वैद्य जी आए, उन्होंने बोला कि आपने संजीवनी बूटी लानी है सूर्य उदय होने से पहले। अब जो वेदों में आता है, जो हमारा टाइम है सभी ऑर्गन्स का 2-2 घंटे का होता है। स्टमक का टाइम है 7 से 9 और बड़ी आंत का टाइम है 5 से 7। तो उनके तीर पेट में लगा था, उस समय ये एक्टिवेट होते हैं। उन्होंने बोला था कि सूर्य उदय होने से पहले ही लेकर आनी है, उस समय ट्रीटमेंट देंगे तो वो जो ऑर्गन है बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा और ठीक हो जाएंगे। तो हनुमान जी ले आए टाइम से पहले। ऐसे ही आपने देखा होगा महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह को तीर लगे हैं, वो तीरों की सेज पे लेटे हुए हैं, उनकी डेथ नहीं हो रही। तब उन्होंने अर्जुन को बोला कि भाई एक तीर मेरा और मार दो, उनकी गर्दन की यहां पे वो तीर मारा गया, उनकी गर्दन भी सीधी होगी और उनकी डेथ भी होगी।
ऐसे ही आपने और देखा होगा। कि जितने भी हमारे ये योद्धा थे, ये लड़ाई करते थे, शाम को घायल ये भी होते थे, बहुत परेशानियां होती थी, हाथ पैर भी कटते थे, सब कुछ होता था। सुबह फिर वो तैयार हो जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। उनके पास ऐसे ऐसे लेप होते थे, ऐसे ऐसे ऑयल होते थे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते थे जिनको दबाने से बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते थे। और परमात्मा ने जब हमें बनाया, हमारी बॉडी बनाई, उसमें ये सभी स्विचेस पहले ही फिट कर दिए थे उसने कि हमने ठीक होना तो कैसे होना है। अब क्योंकि पुराने जमाने में ये रिवाज था कि कभी भी वो नीची जात वालों को अपनी विद्या नहीं देते थे, कोई नहीं देता था, तो इसलिए वो विद्या हमारी खत्म होगी। और जब बोधी लोग यहाँ पर इंडिया में आए तो वो सारी हमारी थेरेपी लेकर चाइना में चले गए, अफगानिस्तान चले गए और बाकी कंट्रीज में चले गए। तो वहाँ पर जाकर अब देखो वो इन्हीं थेरेपी से ही काम करते हैं और उन्होंने अलग अलग इनके नाम दे दिए। उन्होंने उन पॉइंट्स को मिला मिला कर, जब आपको इसके अंदर 107 पॉइंट की नॉलेज हो जाएगी, तब जब आप उनको मिलाएंगे तो आप कहेंगे ये मेरिडियन एरिया तो यही है। इन्होंने अलग अलग उनके नाम दे दिए, अलग अलग उनको पॉइंट्स दे दिए, किसी ने अपना कुछ दे दिया, किसी ने अपना कुछ दे दिया। तो अभी हम इसमें बात करेंगे परिमाप की, कि जितने भी हमारे 107 पॉइंट हैं सबका एरिया होता है कि हमने कहां पर उसको ट्रीट करना है। किसी का तो है आधी उंगली, उंगली मीन्स ये हमारी उंगली का नीचे का जो हिस्सा है, नीचे वाला टोटल, ये हमारा परिमाप है 4 उंगली। ऊपर से नहीं नापते, यहां से नापते हैं। तो किसी का आधी उंगली है, किसी का एक उंगली है, किसी का 2 है, किसी का 4 है। अब पहले हम आज बात करते हैं कुछ हमारे शरीर के परिमाप की, हमारा परिमाप कितना है। जो हमारी आंखें हैं वो 2 उंगली परिमाप होती है। ये जो परिमाप है हर आदमी का अलग अलग होगा। आपने पेशेंट का देखना है, अपना नहीं देखना। किसी की हाइट कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसका उंगली का साइज अलग अलग होता है, ये परिमाप भी अलग होता है। हमारी जो आंखों का परिमाप है 2 उंगली, और जो हथेली है, हथेली की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 6 उंगली। सभी आप नाप के देखना। मुट्ठी की गुलाई जो है ये है 12 उंगली। पैरों का तलवा जो है पूरा टोटल वो है 12 उंगली। और टखने से घुटने की लंबाई 24 उंगल है, और घुटने से कुल्हे तक की लंबाई 24 उंगल है। हमारे धड़ की लंबाई जो है वो भी 24 उंगल है। गर्दन की लंबाई 8 उंगली है। और इस हिसाब से हम जब कोई एरिया ढूंढते हैं तो हम उंगलियों से, पेशेंट की उंगली से उसका परिमाप लेते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी जो है ट्रीटमेंट चलता आ रहा है पुरानों से ही। इसको कई अलग अलग तरीके से किया जाता है।
अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सावधानियां हमने क्या बरतनी है ये ट्रीटमेंट करते हुए, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि किन किन तरीकों के साथ हम बर्म थेरेपी कर सकते हैं। उसमें से एक या दो हम सीखेंगे, बाकी सीखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो आगे आप अगर सीखते जाओ तो आगे बढ़ते जाना और आप आगे सीख लेना, उनसे ही हमारा काम चल जाता है। कल फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।